स्पोर्ट कंपटीशन एट नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल। सो अब हम पढ़ेंगे क्या कि जो स्पोर्ट्स है वो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे किस पर्पस से कराया जाता है। सम स्पोर्ट्स इन टुडेज वर्ल्ड हैज़ ग्रोन इन पॉपुलैरिटी एंड हैज़ बिकम अ मीडियम ऑफ इन्हेंसिंग सोशल इंट्रैक्शन अमंग पीपल क्रिएटिंग इट ओन कल्चर नोन एज द स्पोर्ट्स कल्चर। प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट इन वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट अक्रॉस द ग्लोब एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। सम स्पोर्टिंग इवेंट हेल्ड एट नेशनल लेवल इन डिफरेंट कंट्रीज आर सिमिलर इन नेचर एंड आर मैनेज्ड एंड गवर्न्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो अब इसका मतलब ये है कि जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो जब कोई बड़ा टूर्नामेंट होगा तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग होगा, ब्रॉडकास्टिंग होगा और उसका ऐड होगा। जब लोग उसका ऐड देखेंगे तो आएंगे उस टूर्नामेंट को देखने के लिए, तो उसका एडवर्टीजमेंट होगा तो लोग टूर्नामेंट देख के कई ऐसे लोग होंगे जो इंस्पायर होंगे और इंस्पायर के थ्रू फिर वो स्पोर्ट्स खेलना चाहेंगे। किसी के गार्जियन अगर आते हैं, अगर वो स्पोर्ट्स उनको पसंद आया तो वो अपने बच्चे को उस स्पोर्ट्स को खेलने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। सो इसलिए अब आज की दुनिया में खेल लोकप्रियता में वृद्धि हुई है और लोगों के बीच सामाजिक संपर्क को बढ़ाने का एक माध्यम बना है। अब क्या होता है कि लोग टूर्नामेंट्स वगैरह में आते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो क्या होता है, एक दूसरे से लोग सामाजिक तौर पर जुड़ते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अगर टूर्नामेंट हो रहा है नेशनल लेवल का, तो उसमें ऑल ओवर इंडिया के लोग आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के कल्चर लोग जानेंगे, लैंग्वेज जानेंगे, तो इससे क्या होता है, लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, लोग एक दूसरे के इंट्रैक्शन में आते हैं, अपनी संस्कृति का निर्माण कर रहा है, जिसे खेल संस्कृति के रूप में जाना जाता है। अब स्पोर्ट्स क्या है, अपनी जो भी इसकी संस्कृति है, जिसको हम कह सकते हैं जो इसका नेचर है और इसके जो कल्चर है, वो इसको डेवलप कर रहा है थ्रू ऑल दिस कॉम्पिटिशंस, जिसे खेल संस्कृति के रूप में जाना जाता है। विभिन्न देशों के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में विभिन्न खेल आयोजनों में भाग लेते हैं। विभिन्न देशों में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कुछ खेल आयोजन प्रकृति में समान होते हैं और संबंधित खेल संघ द्वारा प्रतिबंधित और शासित होते हैं कुछ देश। तो अब क्या है, अब जैसे कि कुछ जो इवेंट्स होते हैं वो क्या है कि हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जो कुछ कुछ कंट्रीज होते हैं वो मतलब टू खेलों को थोड़ा बाधित किए हुए हैं, बट बाकी हर कंट्री में स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और इंडिया में भी आप सभी लोग जान रहे हैं कि कुछ सालों से स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है और स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। ओके, अब कैसे कैसे टूर्नामेंट्स होते हैं ये भी हम जानेंगे, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग नेशनल स्कूल गेम्स, वाइल द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज द ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप। लेट्स हैव अ लुक एट वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज फॉर वेरियस स्पोर्ट्स। अब क्या है, जो स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो स्कूलों में
टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं CBSE क्लस्टर, तो जो CBSE है सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन है, वो CBSE मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में जो भी CBSE पैटर्न के स्कूल हैं वो ऑल ओवर इंडिया में जब भी CBSE के टूर्नामेंट्स होते हैं तो वो जितने भी CBSE स्कूल के बच्चे हैं वो उसमें पार्ट ले सकते हैं। तो वो क्या है, एक तरह का स्कूल इंटर फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एक इवेंट टूर्नामेंट्स होता है। इसी तरह सेम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी यही होता है, सेम चीज़ें कॉलेज में भी फॉलो की जाती हैं। अब देखिए अलग अलग गेम्स में अलग अलग लेवल पे, जैसे नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल हो गया, तो कौन कौन से इवेंट होते हैं वो अब देखिए। बैडमिंटन में है इंडियन नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप, नारंग कप साफ़ी, कुरेशी कप, अग्रवाल कप, ठीक है, ये नेशनल लेवल के इवेंट्स हैं। जैसे टूर्नामेंट होते हैं तो टूर्नामेंट के भी नाम होते हैं, ठीक है। अब कोई अगर टूर्नामेंट खेलने जा रहा है तो कैसे किसी को, अगर किसी को बताना है कि मैं कौन सा टूर्नामेंट खेलने जा रहा हूँ तो टूर्नामेंट्स का नाम रहेगा तो ईजिली लोग उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ ये वो टूर्नामेंट खेलने जा रहा है, ठीक है। इन द सेम वे इंटरनेशनल लेवल पे सैयद मोदी चैम्पियनशिप, थॉमस कप, अर्बन कप, एशियन चैम्पियनशिप, BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ओलंपिक गेम्स और सुधीरामन कप। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी इतने सारे इवेंट्स के, इतने सारे टूर्नामेंट्स के, बैडमिंटन के अलग अलग नाम हैं, जो भी ऑर्गेनाइज कराता है वो उस इवेंट को उसका नाम देता है, ठीक है। तो इसमें इसी तरह से सारे अलग अलग गेम्स के, अलग अलग स्पोर्ट्स के दिए हुए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये देखिए खो खो, शूटिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग, वॉलीबॉल, रेसलिंग, ताइक्वांडो, स्विमिंग, हैंडबॉल, ये कुछ ही स्पोर्ट्स के नाम हैं। वैसे तो स्पोर्ट्स कई सारे हैं, सब में अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं, ये अभी कुछ ही स्पोर्ट्स के नाम इसमें दिए हुए हैं। ओके, इंडियन ओलंपिक इज़ द टर्म यूज टू रेफर टू द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया विच कंसिस्ट ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। अब इंडियन ओलंपिक में क्या है, जो टर्म यूज़ होता है उसमें क्या है, नेशनल गेम्स में सभी गेम को मद्देनज़र रखा जाता है और सभी के ये टूर्नामेंट्स जो हैं ऑर्गेनाइज होते हैं। सम स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल स्पोर्ट्स इवेंट फॉर देयर रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल टू प्रमोट देयर स्पोर्ट्स टू अ वाइडर पॉपुलरिटी। कुछ गेम्स के जो फेडरेशन है वो टूर्नामेंट्स इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल मतलब जैसे सिंगल्स ही इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर उनके जो भी गेम्स को वो प्रमोट करना चाहते हैं, उसको वो एक अच्छे लेवल पे बढ़ाना चाहते हैं, इस वजह से वो अपने टूर्नामेंट को ज़्यादातर सिंगल इवेंट्स ही ऑर्गेनाइज कराते हैं। अब हम देखेंगे कि इंडिया कंट्री में जो स्पोर्ट्स को मोटिवेट करने के लिए, प्लेयर्स को और लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए क्या किया गया है। अब आप सभी खेलो इंडिया प्रोग्राम का नाम जानते होंगे, तो उस खेलो इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से कई सारे लोग जुड़े हैं और स्पोर्ट्स का काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी हुई है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि खेलो इंडिया कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हुई हैं या क्या क्या होता है। खेलो इंडिया is an initiative by the government of India for the development of sports in India. Its main aim is to encourage more and more individuals to participate in all forms of sport, which would lead to future improvement and strengthening of sports across India. देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि जो government of India है वो tournament organize कराती है for the sports person and for दोस्त पर्संस जो कि इससे जुड़े नहीं हैं, ताकि वो स्पोर्ट्स देखें, देखने के बाद इससे जुड़ें, ताकि इसका काफ़ी ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी हो सके और लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो सकें। इट प्रोवाइड अ बेस एंड फ्रेमवर्क फॉर ऑल इंडिविजुअल टू फाइंड अ चांस टू पार्टिसिपेट एंड परफॉर्म इन देयर रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स। अब क्या है, ये एक तरह का ऐसा चांस है, ऐसा आपको मौका है जिससे कि हर तरह के स्पोर्ट्स पर्सन इससे जुड़ सकते हैं और इसमें अपना किस्मत, अपनी लक आजमा सकते हैं और अपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोसेस इन दिस फील्ड, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन द रीसेंट ईयर। और इंडिया ने कुछ सालों में स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है।
द कंट्री हैज़ मेनी यंग पीपल विद पोटेंशियल हु आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग गुड स्पोर्ट्स पर्सन ऑन इंटरनेशनल लेवल बट आर हेल्ड बैक बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग। अब क्या है कि इंडिया ने कई मतलब कुछ साल पहले जो स्पोर्ट्स में काफ़ी नाम तो किया है, बट कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको कि प्रॉपरली सोर्सेज ऑफ इनकम या पैसा उतना नहीं मिल पाया है जिससे कि वो एक अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त कर सके और इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर सके। इसलिए दो खेलो खेलो इंडिया प्रोग्राम्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉन्ट टू इंश्योर द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग फैसिलिटी टू द स्पोर्ट्स पर्सन सो दैट दे आर नॉट हेल्ड बैक ऑन रियलाइजिंग देयर पोटेंशियल। अब खेलो इंडिया क्या करती है कि उन प्लेयर्स को वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराती है, वो सारी चीज़ें उनको मुहैया कराती है जिससे कि वो अपने उस स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा कर सके और वो अपने पोटेंशियल को ऐसा ना हो, वो अपनी क्षमता को ऐसा ना हो, सिर्फ कुछ चीज़ों की वजह से ना दिखा सके और अपने स्पोर्ट्स में अच्छा ना कर सके, ऐसा नहीं है। अब खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है उनको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। स्पोर्ट्स हेल्प अस इन मेनी वेज सच एज मेकिंग अस फिट, हेल्पिंग अस इन बिकमिंग कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, imbibing various qualities like analytical approach, leadership skills, clarity of goal or objective। अब स्पोर्ट्स क्या करता है हमारे लिए कई तरह से काम करता है और हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि हमें अच्छा करता है। खेल हमें कई तरह से मदद करते हैं जैसे कि हमें फिट बनाना, टीम वर्क के महत्व को समझने में सक्षम बनाने में हमारी मदद करना, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, नेतृत्व कौशल लक्ष्य या उद्देश्य की स्पष्टता आदि जैसे विभिन्न गुणों को आत्मसात कराता है। द मर्जर ऑफ राजीव गांधी खेल अभियान, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम एंड नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम लीड टू द यूनियन कैबिनेट इंट्रोड्यूसिंग इन्हेंसमेंट इन द खेलो इंडिया प्रोग्राम गिविंग इट एन इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर। अब क्या खेलो इंडिया जो राजीव गांधी अभियान है उसमें क्या है, शहरी खेल बुनियादी ढांचा योजनाओं और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना के लिए विलेस से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया कार्यक्रम में सुधार की शुरुआत की जिससे इसे एक बेहद संरचना मिली। अब क्या है खेलो इंडिया राजीव गांधी स्पोर्ट्स जो भी इनका अभियान है उससे क्या है, जो शहरी साइड के जो बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हुआ है। वो इसमें इसके माध्यम से बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और करते भी हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव मतलब कि अब खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इसका मेन एम क्या है, तो वो डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी कोचिंग। अब डेवलपमेंट ऑफ मतलब कोई वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन। अब जब ईयरली बेसिस पे जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा तो सारे जो प्लेयर्स होंगे उनके अंदर इंटरेस्ट होगा, वो काफ़ी अपने आप को साल भर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके अपने आप को तैयार करेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे उससे। तो जब ईयरली बेस पर टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहेंगे तो हर कोई अपने आप को अपने स्पोर्ट्स में बेस्ट रखने का, कंटिन्यू प्रैक्टिस करने का एक माइंड सेटअप किया रहेगा। ऑर्गेनाइजिंग एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन मतलब एनुअल लेवल पे स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज कराना। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी कोचिंग,
सामुदायिक कोचिंग का विकास करना, मतलब कि जैसे कि जो कोचिंग वगैरह अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स के कोचिंग होते हैं उन सभी का विकास करना, मतलब कि उन सभी को बढ़ावा देना और आगे आगे उनको मौका देना। जब कोई कोचिंग या कोई स्पोर्ट्स टीचर किसी कोचिंग किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जुड़ा है, तो उसको जब तक आप कोचिंग का मौका नहीं देंगे तो वो कैसे किसी स्टूडेंट्स को रेडी करेगा। तो इसलिए डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी कोचिंग, ये डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी कोचिंग को भी बढ़ावा देता है। डेवलपमेंट ऑफ स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर, अब ये क्या करता है कि स्टेट लेवल पे राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र का विकास करता है। डेवलपमेंट ऑफ प्लेइंग फील्ड्स फॉर वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट, विभिन्न खेल आयोजनाओं के लिए खेल मैदान का निर्माण डेवलपमेंट ऑफ प्लेइंग फील्ड्स फॉर वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट्स, अब क्या करता है विभिन्न खेल आयोजनाओं के लिए खेल मैदान का तैयार कराना या निर्माण कराना। क्रिएशन मेंटेन्स एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अब उनके रख रखाव स्पोर्ट्स का अगर फील्ड है या उनका जो भी चीज़ें हैं स्पोर्ट्स से संबंधित उनका रख रखाव उनकी मतलब उनकी जो भी बुनियादी ढांचा है उनको वो सब चीज़ों को उनका क्लियर करना। मॉनिटरिंग फिजिकल एजुकेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रेंस, स्कूली बच्चों की शारीरिक शिक्षा की नेतृत्व मतलब कि वो उस पर नज़र रखना। सर्चिंग फॉर इंडिविजुअल्स विद टैलेंट्स इन स्पोर्ट्स, अब क्या खेलों में प्रतिभा वाले व्यक्तियों की तलाश, अब जैसे अगर कोई प्लेयर खेलना चाहता है कोई स्टूडेंट खेलना चाहता है तो किसी के चेहरे पे या किसी के माथे पे थोड़ी लिखा हुआ था कि ये मतलब अच्छा प्लेयर बन सकता है। तो उसके जो स्पोर्ट्स प्लेयर होंगे या स्पोर्ट्स पर्सन होंगे बच्चा होगा उसको उसकी उसकी सर्च करना, उसके बारे में खोजना कि वो कौन है। जैसे अगर किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो किसी को खेलने में भी इंटरेस्ट होगा, तो उसको कैसे पता चलेगा। अगर किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो बुक्स के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, उसको कहीं भी कुछ भी पढ़ने को मिलेगा वो उस चीज़ों को गेन करेगा। तो इन द सेम वे जो स्पोर्ट्स से जुड़ा होगा जिसको स्पोर्ट्स पसंद होगा जहाँ पर भी स्पोर्ट्स होता होगा वो उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है इनको देखना और इन बच्चों को खोज निकालना। वैसे स्प्रेडिंग द फीलिंग ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट, शांति और विकास की भावना फैलाना। प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंग वुमन पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड पीपल बिलोंगिंग टू रूरल, महिलाओं विकलांग लोगों और ग्रामीण जनजातियों के लोगों के बीच खेलों को बढ़ावा देना। प्रोविजन ऑफ सपोर्ट टू स्पोर्ट्स अकेडमीज ऑन स्टेट नेशनल एंड रीजनल लेवल, अब जो राज्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर खेल अकादमियों को सहायता का प्रावधान, मतलब जैसे कि जो भी स्टेट नेशनल लेवल और रीजनल लेवल पे स्पोर्ट्स एकेडमीज हैं उनको क्या करते हैं सहायता प्रदान करते हैं। जैसे जो लोग स्पोर्ट्स कराना चाहते हैं बट उनके पास इतना फंड नहीं है कि वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा सकें तो वो उन सब चीज़ लोगों को फंड भी रेज करते हैं। फीचर्स ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम, फीचर्स ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम, खेलो इंडिया के कार्यक्रम की विशेषताएं, अब हम देखेंगे क्या कि इसकी विशेषताएं हम जानेंगे कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, द स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम अंडर द खेलो इंडिया प्रोग्राम विल सपोर्ट 1000 टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन विद एन एनुअल ऑफ ₹5 लाख एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 8 ईयर्स। खेलो इंडिया क्या करता है कि जो भी प्लेयर्स अच्छे खेलने में होते हैं उनको
स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है, और वो स्कॉलरशिप 5 लाख की होती है फॉर एवरी ईयर। एवरी ईयर 5 लाख रुपीज़ का उनको एक स्कॉलरशिप मिलता है अगले 8 सालों तक। द स्पोर्ट्स कवर्ड इन दिस स्कीम्स आर आर्चरी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, जूडो, कबड्डी, वॉलीबॉल, स्विमिंग, रेसलिंग, शूटिंग, जिमनास्टिक एंड एथलेटिक्स। तो खेलो इंडिया में इतने सारे स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस, इतने सारे स्पोर्ट्स को अभी तक स्कॉलरशिप और ये सारी चीज़ों को देने का, स्कॉलरशिप देने का रूल्स है। इंडिया प्रोग्राम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट टू इंश्योर द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग फैसिलिटी टू द स्पोर्ट्स पर्सन सो दैट दे आर नॉट हेल्ड बैक ऑन रिलीजिंग देयर पोटेंशियल। सेम चीज़ है कि उनको जो है हर तरह की सारी फैसिलिटी दी जाती है जिससे कि वो अपने पोटेंशियल को दबा न सके, पोटेंशियल को वो अपने उभार करके बाहर लें। अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं तो उनको अच्छा करने के लिए मौका दिया जाता है। यह खिलाड़ियों के लिए अपने चुने हुए खेल के प्रशिक्षण के साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी करने में सक्षम होने के लिए 20 विश्वविद्यालयों के माध्यम से खेल उत्कृष्ट के केंद्र बनने की योजनाएं बना रहा है। मतलब कि अगर कोई प्लेयर पढ़ना चाहता है, पढ़ने के साथ साथ खेलना भी चाहता है, तो वो 20 यूनिवर्सिटी से अपने टाई अप करने की योजना बना रहा है। मतलब कि अभी ये सारी बातें चल रही है। इट इनकरेज स्पोर्ट्स फॉर ऑल, मीनिंग everyone has the right to participate, practice and participate in the sports of their preferences. अब यह सभी के लिए खेल को प्रोत्साहित करता है, जिसका अर्थ है कि हर किसी को अभ्यास करने और अपनी पसंद के खेल में भाग लेने का अधिकार है। The program also work for promoting fitness among the population and encouraging healthy lifestyle. इस कार्यक्रम द्वारा एक राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस अभियान लगभग 20 करोड़ बच्चों की फिटनेस की निगरानी करता है, जो 10-18 के निर्धारित आयु मानदंड में आते हैं। यह अधिक फिटनेस गतिविधियों को शामिल करने की पहल और बढ़ावा देता है या देगा। In this program, the funds are provided by the central government according to the budget set by the government of India. आप खेलो इंडिया में ये सारा बजट कहाँ से आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये आता है, केंद्र सरकार द्वारा ये सारा फंड रिलीज होता है। The program also aim to achieving gender equality and removal of social exclusion through introducing of special measure. अब ये क्या कहता है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जेंडर इक्वालिटी, मतलब कि ये लड़की है नहीं कर सकती, अरे ये तो लड़की है इसको नहीं आता, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जेंडर इक्वालिटी, जैसे लड़कों को ट्रीट किया जाता है वैसे ही लड़कियों को भी ट्रीट करने की पहल है। One of the program goals is to create an organized structure of competitive events in sports which would raise the quality of sports competitions at school and college level. अब क्या है, कार्यक्रम के लक्ष्यों में से एक खेल में प्रतिस्पर्धा आयोजित की एक संगठित संरचना तैयार करना है जो स्कूल और कॉलेज स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं की गुणवत्ता को बढ़ावा देगी या बढ़ाएगा। It promote use of latest technologies such as smartphone applications to future enhanced training of a sportsperson, identification of talented individual through national sports talent search portal etc. या नवीनतम तकनीक जैसे स्मार्टफोन एप्लीकेशंस के उपयोग को बढ़ावा देता है ताकि खिलाड़ी के प्रशिक्षण की को और बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज पोर्टल आदि के माध्यम से प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान की जा सके। दिस प्रोग्राम ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस विल क्रिएट अ ग्रुप ऑफ टैलेंटेड एथलीट्स हु विल बी हाईली कॉम्पिटिटिव ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। यह कार्यक्रम दीर्घकालीन आधार पर है, प्रतिभाशाली एथलीटों का एक समूह तैयार करेगा जो वैश्विक मंच पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धित होंगे।
सो ये जो है ये ऐसे प्लेयर्स को मोटिवेट करता है, ऐसे प्लेयर्स को ये आगे बढ़ाने को कोशिश करता है जो कि दीर्घकालीन, मतलब कि ये चलता चला आए और ऐसे एथलीटों को समूह तैयार करेगा जो कि आगे बढ़ करके अपने देश का नाम रोशन करें और अपने देश को काफ़ी आगे बढ़ाएं।